हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे नोइंग आवर नंबर्स। ये है एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, इसका क्वेश्चन वन है फिल इन द ब्लैंक्स। माइनस ट्वेंटी सेवन डिवाइड बाय 27 इक्वल टू व्हाट। यहाँ हम देख रहे हैं -27 है या 27, इसका आंसर आएगा 27 1 और 27, तो आंसर आएगा -1। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बी सपोज बी ले लो, ब्रैकेट है ब्लैंक, डिवाइड बाय -25 इक्वल टू -1। अब -25 से हमें डिवाइड करना है, कितने नंबर को डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा और साइन भी माइनस आना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम डिवाइड करेंगे सेम नंबर से। -25 यहाँ लिखेंगे 125, तो इसको अगर -125 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा और माइनस का साइन आएगा। यहाँ हमने साइन नहीं ऐड करनी माइनस की, नहीं तो ये प्लस में आएगा आंसर। इसी तरह आपको और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन 2 को लेते हैं, एक दो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगी, आगे क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने हैं, यू कैन डू। ओके, इसमें स्टेट टू और फॉल्स बता रहा है कि आपको ट्रू फॉल्स बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन है 2a का 0 मल्टीप्लाई -4 इक्वल टू 0। ये सही है, ट्रू है या फॉल्स है? तो हमें पता है कि 0 को कभी भी किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है, तो ये ट्रू हो गया। अब इसके एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। सपोज ई ले लो, -16 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू -4। ठीक है, -16 है, इसको 4 4 4 आर 16 आया, साइन माइनस का आया, तो ये ट्रू है। ठीक है, अब इसमें एक और सॉल्व करके देखते हैं। बी -3 -1 इक्वल टू -2। ठीक है, अब इसमें हमने देखना है 3 और 1, ये तो 3 और 1 माइनस साइन लगा हुआ है तो ये प्लस होएगा। ठीक है, और -4 आंसर आना है, लेकिन आंसर में इसने -2 दिया है तो ये हो गया फॉल्स। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें है क्वेश्चन, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल अरेंजमेंट्स। ठीक है, या -42 है, प्लस -58 दिया हुआ है, प्लस 200, इसे हमें इजी वे में सॉल्व करना है। तो इसे हमें इजी वे में सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे -42 और 58 को एक ब्रैकेट में लेके आएंगे, ग्रुपिंग में। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में ऐसे किया, प्लस 200 डाला क्योंकि ये प्लस में है, इसे हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो ये प्लस करके यहाँ पे आया, प्लस कर दिया इन दोनों को, साइन ये बड़ा है तो माइनस लगाएंगे, प्लस 200। ठीक है, तो आंसर आएगा 0। अब ऐसे ही क्वेश्चन बी ले लेते हैं, 123 मल्टीप्लाई 7 प्लस 123 मल्टीप्लाई 3। इसे हम ऐसे करेंगे, 123 सेम है दोनों में। ठीक है, यहाँ तो यहाँ 123 ले लिया, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस 3, ऐसे इक्वल टू 123 मल्टीप्लाई 7 3 10 इक्वल टू 1230, ये आंसर आएगा। ऐसे ही आपको सी पार्ट भी करना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर में है, एन इंटीजर डिवाइडेड बाय -7 गिव्स 9, फाइंड द इंटीजर। इट मीन कोई इंटीजर है, कोई नंबर है इंटीजर का, उसको डिवाइड किया है -7 से और जिसका आंसर आता है 9, तो इंटीजर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमने लिखना है, लेट द इंटीजर इज एक्स। तो एक्स है यहाँ पे, क्वेश्चन के हिसाब से हम उसे वैल्यू देंगे, एक्स डिवाइड बाय -7 इक्वल टू 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बाय -7 इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई -7 इक्वल टू -63 आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इट मीन सब्ट्रैक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन के हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी निकालनी है।
तो यहाँ पे हमने लिखना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे लिखेंगे एग्जांपल, जैसे लिया माइनस 125, ये को खुद बनाना है ना, हमें शो करना है, सॉल्व करना है। तो -25 जैसे ले लिया, मल्टीप्लाई है 95 से, ठीक है। इसे मैं सॉल्व करती हूँ ये इरेज करके, ठीक है। फिर इसको हमें करना है डिस्ट्रीब्यूटिव, इसे हमें सॉल्व करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे। तो हमें इसे करना है -125 मल्टीप्लाई, इसे हम ले लेंगे यहाँ पे 100 माइनस, सब्ट्रैक्शन करके बताना है ना, तो इसमें 100 -5, ठीक है। तो यहाँ -125 हो गया, मल्टीप्लाई किया 100 से, प्लस -125 किया मल्टीप्लाई -5 से। वहाँ हमने किया था ना डिस्ट्रीब्यूटिव, वैसे -125 को 100 से भी मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ प्लस लगा दिया, फिर -125 को 5 से भी किया, तो सेम ही होना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आंसर आएगा -125 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो 125 को 5 से, तो यहाँ पे आंसर आएगा 625, क्योंकि दोनों माइनस का साइन है और मल्टीप्लिकेशन में वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा -588811। आप ही इसको ऊपर नीचे लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, इससे इसको माइनस करेंगे और साइन इसका आएगा। तो 5 का आंसर ये हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन 6 सॉल्व। क्वेश्चन 6 है, फाइंड द इंटीजर विच व्हेन मल्टीप्लाइड विद -1 गिव्स -25। इट मीन कोई इंटीजर है, उसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 20 -25 आता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, लेट द इंटीजर इज एक्स। तो एक्स को यहाँ पे दिया हुआ है -1, मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू -25 आंसर आता है। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू, यहाँ वन वन की वैल्यू कुछ नहीं होती, इससे मल्टीप्लाई किया तो इसका माइनस एक्स के पास आ गया, ठीक है, इक्वल टू -25। यहाँ माइनस माइनस खत्म हो गए, तो एक्स इक्वल टू 25 आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे 7। क्वेश्चन 7 है, डिटरमिन द इंटीजर विच व्हेन डिवाइडेड बाय -1 गिव्स -47। ये तकरीबन सेम ही है, इसमें जैसे लिखेंगे हम, लेट द इंटीजर इज एक्स, तो एक्स डिवाइड बाय -1 इक्वल टू -47, ठीक है, क्योंकि -1 से डिवाइड है और आंसर -47 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स बाय -1 इक्वल टू -47, ठीक है। तो यहाँ एक्स इक्वल टू -47 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू आंसर 47 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 47, और जो साइन है वो प्लस हो जाएगा, तो आंसर ये आया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का ये 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। थैंक यू।